formed by two plane mirror. ठीक है, देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं हमें, ठीक है, तो भी कैसा है ये आपको बताता हूं। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना है गाइस, बहुत ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, आपको मैं एक एक चीजें एकदम डिटेल में बताना शुरू करूंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, फाइन, अब ध्यान से देखो आपको क्या बताता हूं मैं। लुक एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइस। ओके, सबसे पहले अगर टू प्लेन मिरर जो हमने लिए है, टू प्लेन मिरर जो हमने, अच्छा यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैं ये साइड पे। ओके, अगर मैंने जो टू प्लेन मिरर लिए है वो पैरेलल है, वो क्या है आपके, मैंने पैरेलल ले लिए, मैंने मतलब दो प्लेन मिरर लिए ऐसे और दोनों भी क्या पैरेलल है। ठीक है, मतलब आपको कुछ बताता हूं इंपॉर्टेंट कुछ चीज, देखो यहां पर ध्यान से देखना। देखो ये मान लो मैंने एक ले लिया है मिरर, ये वाला, ठीक है, तो मतलब यहां पे क्या होगा, इसकी पॉलिश साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। देखो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना है, सब लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान से देखो। और एक प्लेन पॉलिश साइड में कौन सी लूंगा, ये वाली लूंगा, ध्यान से देखना है। ठीक है, फाइन, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। आप बोलोगे सर ये कहां पे आपको नजर आती है ऐसे वाले, तो मैंने, हमने तो कभी देखी ही नहीं है सर, आपको कहां पे नजर, थोड़ा सा मैं कट करके यहां पर ड्रॉ कर यहां तक बना लेता हूं। ओके, तो आपको नजर, आप बोल रहे सर ये आपको कहां पर नजर आते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं सर इसको। यस, आपने एक्चुअली देखा नहीं है, बट आपने खुद ने ये फील भी किया है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कहां पे किया है ये फील आपने। आप सलून में जाते हो कटिंग करने, बराबर, आप सलून में जाते हो कटिंग करने, तो आप जब यहाँ पे आपके सामने मिरर है, ठीक है, और आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपका ये फेसिंग है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ठीक है, और देखो पीछे भी आपके पास देखो मिरर होता है, बराबर, मतलब आप कहाँ पे हो, बीच में हो, एक मिरर इधर है, एक मिरर कहाँ पे, पीछे की साइड पे, राइट, तो ये वाला आपको वहां पे नजर आता है, मतलब ये वाला मिरर कहाँ पे आएगा, सैलून में नजर, जहां पे आप बीच में हो और दो मिरर आगे और पीछे, तो आपको देखो इमेज पे पीछे इमेज, इमेज के पीछे इमेज देखो दिखाई देती है, आपको लगता है बहुत सारे मिरर्स है, लेकिन मिरर बहुत सारे होते नहीं, वहां पे सिर्फ दो ही मिरर होते हैं जिसके बीच में आप होते हो वहां पे। ठीक है, फाइन, अब आपको उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब द थिंग इज दिस गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा आपको, जब अगर एग्जामिनेशन पूछा आता है, आपको पूछा जाएगा अगर दो प्लेन मिरर है, दोनों भी पैरेलल है, और अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने इसके बीच में, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मान लो इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पे कहीं तो भी आपका ऑब्जेक्ट है इसके बीच में, ठीक है, फाइन, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है यहाँ पे कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, क्वेश्चन ये है आपके लिए कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। ठीक है, सो मतलब मे भी बहुत सारे बहुत सारे लोगों को तो पता होगा ये आंसर, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको ये भी चीजें क्लियरिफाई करके देंगे कि इनफिनिट इमेजेस बनेगा ये, ठीक है, लेकिन किस तरीके से बनता है वो भी देख ले। देखो ऐसे बहुत सारे आगे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको लर्न नहीं करना है, आपको कुछ ड्रॉ करना है और आपको पता होना चाहिए एक्चुअली ऐसे बनता है करके, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी टेक्निक बता रहा हूँ, ये भी देख लो। तो यहाँ पे देखो ये वन बन सकती है, ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है, आपके पास टू हो सकता है, थ्री आपको बन सकता है, इनफाइनाइट, ये साइन आपकी इनफाइनाइट की है, ठीक है, फोर्थ बन सकता है, मे बी पांच इमेजेस बने, ठीक है। अब इसमें से कौन सा, बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, तो आपके आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। फाइन, देखो अभी यहां से ये हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारी सरफेस है, ठीक है, यहां से बना लेता हूं मैं, यहां पे देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, फाइन, और इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस क्या आने ये बता दूंगा आपको, मतलब मैं आपकी पहला आइडिया क्लियर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अभी इसके बाद तो आपके जो ये हो सकता है मिरर जो हो सकता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है, वो पैरेलल होंगे बट अलग तरीके से पैरेलल हो सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो आप इसको ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मिरर और ये मिरर से एकदम एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये सेंटर पे है ये वाला, तो पकड़ के चल सकते हो गाइस, ये 1 सेंटीमीटर पे है, ये भी क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर बनेगा,
ऐसे पकड़ के चलो ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से, हाँ लुक वेरी केयरफुली। सबसे फर्स्ट ये गाइस, ये जो प्लेन मिरर है हमारे पास, ये मिरर के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के लिए आपका क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, इमेज का भी वो ही डिस्टेंस बनेगा। तो मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर है गाइस, तो ये भी जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 1 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, मतलब ये भी आपका 1 सेंटीमीटर ही बनेगा ठीक है, समझ रहे हो। सिमिलरली ये साइड देखो, अभी यहाँ पे चेक करो, देखो ये मिरर है अपने पास यहाँ पे ठीक है, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, बट ऑब्वियस ये वाला बनेगा अभी स्टार्टिंग के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, पीछे के साइड में, मतलब उसके अंदर के साइड में बनेगा, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना बनेगा आपका, 1 सेंटीमीटर ही बनेगा, आई टू उसको पकड़ लेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर बनेगा ठीक है। देखो गाइस कितना सिंपल है, अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं तो देखो बहुत बड़ा सिंपल है। तो पहले अगर हम ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइन कैसे बनाएंगे, देखो ये तो एक परपेंडिकुलर बन गई है, जो इमेज के लिए तो बन गया, हमें कम से कम दो लाइन चाहिए राइट, ये तो एक बन गई है। सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट करेंगे उसको और सीधा यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे ऐसे ठीक है। तो उसके देखो लाइन कहाँ पे बनती है, इधर, परफेक्ट। देखो सिमिलरली देखो इसके लिए अगर बनाते हैं अगर हम, तो देखो ये लाइन अगर है, देखो ये परपेंडिकुलर है गाइस ठीक है, तो अगर ये वाली अगर हिट होती है यहाँ पे ठीक है, ये वाली, तो यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है, मान लो तो यहाँ से कहा, ओके यहाँ से हिट होगी गाइस और कहाँ पे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, तो कहाँ से बनेगी, देखो ऐसे बनेगी आपकी राइट। मतलब यहाँ पे अगर चेक करोगे देखो इनकी इमेज बनेगी ठीक है। अभी और आगे कितनी बनेगी और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, देखो अभी देखो ये मिरर के लिए ये बन गया है आपका ऑब्जेक्ट, देखो हाँ ये मिरर के लिए ये बन गया है आपका ऑब्जेक्ट, तो इसका ये मिरर के लिए इमेज कहाँ बनेगा, देखो ये मिरर के लिए ये आपका बन गया है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके ये साइड पे बनेगा बराबर, तो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। देखो ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 3 सेंटीमीटर के बाद इसका सेकेंड इमेज बनेगा, मतलब और एक इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखो 1 ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर देखो यहाँ से, हाँ मतलब ये है, तो यहाँ से आपका भी 3 सेंटीमीटर के हिसाब से बनेगा, तो मतलब ये 1 इतना है, तो मान लो यहाँ पे आपका बन रहा होगा 3 सेंटीमीटर, मान लो ये आपका बन रहा है I3, और यहाँ से यहाँ आपको कितना बनता है 3 सेंटीमीटर बन जाता है ठीक है। सिमिलरली आप चेक करोगे तो ये मिरर के लिए ये वाला आपका ऑब्जेक्ट बनता है, तो आप चेक करोगे पूरा डिस्टेंस, तो ये कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, तो कितना बनेगा यहाँ से, कितना डिस्टेंस बनेगा इमेज 3 के बाद, तो यहाँ पे आपके पास और एक बन जाएगा, तो ये बना लो I4, और यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा ठीक है। बस फिर तो और इमेज बनते जाएगा इसका, पीछे और ढकलो, मतलब अभी ये मिरर के लिए ये आपको ऑब्जेक्ट बन जाएगा बराबर। तो देखो यहाँ पे ये कितना है 3, ये कितना है 2, बिकॉज देखो आपका मिरर है, मिरर से देखो डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का, तो कहाँ बनेगा 5 के बाद, वहां पर भी कहाँ बनेगा 5 का, मतलब ये कंटिन्यूसली क्या आपका बनते जाएगा ठीक है, मतलब ये रुकने वाला नहीं है, मतलब आपका क्या बनता है, ये इनफाइनाइट इमेज बनता है। क्या बनेगा आपका आंसर इसके अंदर, क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट इमेज आएगा ठीक है। क्या आप सब लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया है क्या, तो प्लीज स्क्रीन पर थम्स अप कर दो गाइस, जिनको भी ये लॉजिक समझ में आया तो स्क्रीन पर थम्स अप कर दो, अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझा नहीं है तो प्लीज हैंड रेस करे वो, अगर किसी को भी डाउट है इसके अंदर। ओके वेरी गुड, ओके सो फटाफट से आपके बुक में कॉपी करो ठीक है, उसके बाद मैं दो तीन और इमेजेस सिखाऊंगा ठीक है, और एक आपको दूंगा मैं लास्ट में, एक आपको दूंगा मैं, और आपने मुझे ऑप्शन बताना कि कौन सा वाला करेक्ट है इसके अंदर ठीक है। चलो आपने कोशिश करनी है फटाफट से बनाओ गाइस ये ठीक है, होते स्क्रीन पर थम्स अप कर देना मुझे, ये फटाफट से आपके बुक और पेन निकालो, फटाफट से लिख लो, ड्रॉ कर लो।
ओके क्या आप सबका हो गया है गाइस? तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो फटाफट से। ओके ठीक है, कोई लिख रहा है या ड्रॉ कर रहा है तो प्लीज हैंड रेस करो, अगर कोई भी आप में से लिख रहा होगा तो। ठीक है कशिश, हाँ चलो ठीक कशिश लिख लो फटाफट। मैं और एक सिखाऊंगा ठीक है, उसके बाद मैं आप सब लोगों को एक ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा मैं, ठीक है? और मुझे उसका करेक्ट आंसर आपने बताना है। ठीक है चलो, मैं अभी और एक सिखाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपने खुद ने कोशिश करनी है, खुद ट्राई करना है, ठीक है? खुद ट्राई करना है। चलो लेट्स बिगिन विद दिस, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? प्लेन मिरर तो पकड़ना है पकड़ना है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मिरर्स लेंगे हम इस बार, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, परपेंडिकुलर प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर प्लेन मिरर ये कंसिडर करेंगे, ठीक है? चलो एनीवे, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सब अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? परपेंडिकुलर मिरर मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो ये एक मिरर हो गया ऐसे, ठीक है? फिर ये एक मिरर हो गया, चलो अच्छे से और बना लेते हैं। ओके ये आपका एक मिरर हो गया, ये आपकी पॉलिश साइड हो गई है, ठीक है? फाइन, तो हमारे पास दो मिरर तो हो गए, चलो इसको नेमिंग भी कर लेते हैं M1 और इसको हम डाल देते हैं M2, ठीक है? फाइन, अभी मिरर डाल दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है, ये मेरा O है, ठीक है? फाइन, अभी ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखो गाइस, बहुत ध्यान से। अभी इसमें पता लगाना है कितने इमेजेस फॉर्म होंगे इसके अंदर, कितने इमेजेस बनेंगे इसके अंदर, ठीक है? अगर हम इसके ऑप्शन से निकाल के रखें तो मान लो कंसिडर करो दिस इज 2, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन पकड़ के चलो मान लो 4, थर्ड ऑप्शन करो 3 कर देते हैं, फोर्थ ऑप्शन आप कंसिडर करके चलो मे बी नॉट डिफाइंड या तो इनफाइनाइट, ठीक है? चलो तो अभी यहाँ पे बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा देखते हैं, सब लोग सिर्फ अच्छे से ध्यान देंगे इसको, राइट? ओके सबसे पहले देखो ये मिरर के लिए बात करते हैं हम, पहले ये मिरर पे देखते हैं, ये मिरर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है? ये मिरर के लिए ये आपका बनता है ऑब्जेक्ट, जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट O है आपका, ठीक है? अब कैसे करना है, मैंने बोला है अगर इसका इमेज बनाना है ये मिरर के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपने पहले परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करनी है, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे आप बना लो यहाँ पे, और इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ I1 डाल देता हूँ, मेरा फर्स्ट इमेज, ठीक है? चलो अब इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो यहाँ से ऑफ कोर्स लाइन जाएगी, उसको क्या होगा हिट होगा, और यहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइन कैसे आएगी हमारे पीछे की तरफ लाइन चल जाएगी, ठीक है? लाइन कैसे चल जाएगी हमारी पीछे की तरफ लाइन चल जाएगी। चलो बन गया, मतलब एक इमेज तो बन रही हमारी, ठीक है? अब देखो सेकेंड मिरर आ गया अभी, तो यहाँ पे तो दूसरा मिरर है मेरे पास, ठीक है? अगर यहाँ पे चेक करोगे दूसरा मिरर है मेरे पास इधर, तो ऑफ कोर्स ये मिरर सेकेंड है, तो इसके लिए ये वाला पार्ट आपका क्या बनता है ऑब्जेक्ट। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको बताया है मैंने, यहाँ से आपने सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है I2, ठीक है? ये ड्रॉ कर लो, ठीक है? जैसे ही हो जाएगा तो मतलब देखो जितना डिस्टेंस पे ये बना है उतना ही आपने डिस्टेंस पे थोड़ा सा ये I2 फॉर्म करना है, ठीक है? उतना ही डिस्टेंस आपको बनाना है यहां से। ओके फाइन, सो अभी यहां पे देखना है, अभी हमें रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट यहां से हिट होगी और ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्ट, और सीधा पीछे से आएगा यहां से, ठीक है? सो मतलब देखो अभी यहां पे तो समझ में आ रहा है कि दो इमेजेस तो बन ही रहे हैं हमारे, लेकिन क्या इसका आंसर दो इमेजेस है? एक्चुअली इसका आंसर दो इमेजेस नहीं है गाइस, इसका और एक इमेज बनेगा। तो आप सोचो सर दो मिरर है,
दो इमेजेस तो बन गए, लेकिन आप बोल रहे हो कि किस किस तरह के थर्ड वाला इमेज बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपका थर्ड वाला इमेज एक्चुअली बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे ही डाली हुई है गाइस, इट नॉट नेसेसरी कि ऐसे भी जाए, रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से भी हिट हो सकती है ऐसे। ठीक है, आपकी हिट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, और आपको ये साइड से रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और आप ये साइड से हिट होने के बाद बाहर भी आ सकते हो ऐसे, मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट देखो हिट हो सकती है, देखो इधर से आपकी हिट हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से चेक करोगे तो मतलब देखो जहां से रिफ्लेक्ट हुई है लाइन, देखो यहाँ जहां से रिफ्लेक्ट हुई है वो लाइन तो देखो मैंने पीछे खींच दी अच्छे से, यहां से ही बनेगा ना, देखो यहां से भी हिट हो सकती है रे ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से इसका एक रिफ्लेक्शन निकलेगा ऐसे, और यहां से बाहर निकल सकती है रे ऑफ लाइट। ये अगर हम पीछे की तरफ खींचे देखो, और एक बन सकती है हमारी इमेज, यहाँ पे बनेगी थ्री, ये थर्ड बन सकती है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कितनी इमेजेस बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये वाला अंदर वाला नहीं समझा है, मैं वापस से आपको इधर अलग से सिखाता हूँ, मैं अलग से देखना है इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे दो मिरर तो बन गए, देखो इधर देखो ध्यान से देखना गाइस, देखो दो मिरर तो बन गए। ठीक है, आप मैं अंदर की बात यहाँ से बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो मैं जैसे आपको क्या बताया मैंने कि ऐसा भी हो सकता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे हिट करे आपको, ठीक है, यहाँ से बाउंस हो, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर निकल जाए ऐसे, तो यहाँ से देखो रे ऑफ लाइट पीछे की तरफ आती है ऐसे। ठीक है, आप देखो यहाँ से भी देख सकते हो, देखो हिट हो सकती है ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो सकता है हमारे पास, इधर चली जाएगी रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर चली जा सकती है, तो कैसे आ सकते हो पीछे की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी थर्ड इमेज भी बनती है, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आपके पास कितने इमेजेस बनेंगे, तीन आपके इमेजेस बनेंगे। मतलब अगर एमसीक्यूज में आपके पास ऐसा डायग्राम आता है परपेंडिकुलर में, ठीक है, और आपको पूछा आता है कितने इमेजेस बनेंगे, तो आपको ट्राई करना है बनाने के लिए पॉसिबिलिटीज कितने बनेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ क्वेश्चन, आपने खुद ने कोशिश करनी है इसको बनाने की, यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन एंड गेट मी द राइट आंसर। ठीक है, ओके गाइस, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट से आपके बुक में पहले कॉपी कर लो इसको, अगर आपको अलग से ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसके साथ ही ड्रॉ करे खत्म करो, तो यहाँ पे तीन देखो इमेजेस बनती है इसकी। ठीक है, चलो गाइस, क्या आप सब लोग को समझ में आया है, किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज स्क्रीन पे हैंड रेस करें, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो स्क्रीन पे आप हैंड रेस कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट है। ओके, क्लियर, ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ठीक है, वेरी नाइस, तो फटाफट से लिख लो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, आपने खुद ने कोशिश करनी है, ड्रॉ होने के बाद थम्स अप कर दो स्क्रीन पे।
क्या आप सबका हो गया है गाइस डन? ड्रॉ करके हो गया होता स्क्रीन पे थम्स अप कर दो फटाफट से। ओके ऋत्विक का हो गया, बाकी ओके अखिल का भी हो गया है, ओके साहिल का हो गया है, ओके 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 वेरी गुड। ठीक है गाइस वेरी नाइस। कोई लिख रहा है तो प्लीज हैंड रेस करो, कोई भी अगर ड्रॉ कर रहा है या लिख रहा है तो प्लीज हैंड रेस करो। अच्छा तो कोई भी नहीं कर रहा है, फाइन। अब गाइस मैं आप लोगों को दूंगा एक क्वेश्चन, you all have to try on your own and get me the right answer, ठीक है? और सब लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में ये जो भी आंसर आएगा चैट बॉक्स वहां पे प्लेस डाउन कर देंगे, ठीक है? तो देखते हैं, आपको ऑप्शन भी दूंगा। चलो फाइन। तो ये भी हमारा एक्चुअली पैरेलल ही है गाइस, मतलब ये वाला भी जो मैं आपको देने वाला हूं, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है, ये पैरेलल ही है, ठीक है? तो बट ये थोड़ा सा इस तरीके से पैरेलल टू प्लेन मिरर, ओके ठीक है गाइस। मुझे बताओ अगर दो पैरेलल है, अगर प्लेन मिरर अगर दो पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री मतलब होता है कि स्ट्रेट एंगल बनता है ना वो। देखो जैसे पहले वाला जो मैंने लिया था वो कैसा था, ऐसा था राइट। तो आप सब लोग को पता है गाइस कि इनके ये वाला एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री का बनता है, तो ऐसा। तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, हाउ मेनी एंगल, हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म व्हेन तो टू पैन लाइंस और व्हेन द प्लेन मिरर आर एट 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या हो जाता है कि वो पैरेलल है, ठीक है फाइन। लेकिन ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा डायग्राम दूंगा मैं, ठीक है? वो आपने सोच समझ के मुझे बताना है कि कितने इमेजेस बनेंगे, खुद ड्रॉ करो पहले, ठीक है फाइन। सो लेट्स ट्राई विद दिस। देखो ये पैरेलल ही है बट थोड़े सा अलग टाइप के पैरेलल, ये ऐसा है और सेकेंड हमारे पास नीचे वाला है, देखो ये वाला, ठीक है? और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ना गाइस वो मान लो इनके बीच में है, मतलब देखो ये इनके बीच में रखा है मैंने, तो ये मिरर M1 है आपके पास और ये आपके पास मिरर M2 है, ठीक है? और आप सब लोगों ने मुझे इसका करेक्ट आंसर बोलना है। और ऑप्शन कुछ ऐसा है, आपके पास 2 है, फिर सेकंड आपके पास मान लो 3 है, थर्ड आपके पास 4th है एंड फिफ्थ लास्ट आपके पास है इनफाइनाइट, ठीक है? अब देखते हैं किसको सही, जिसको भी सही मिलेगा गाइस, ठीक है, जिसको भी राइट मिलेगा वो प्लीज अपना चैट बॉक्स में उसका आंसर डाल दे, फिर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? चलो गो विद दिस गाइस। हेलो सर। हाँ बोलो सर। क्या हम मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो ना, ऑफ कोर्स। देखो हम इमेजिनरी ऐसे बड़ा सा, देखो ये पैरेलल कैसे, देखो मैं आपको जिनको भी कंफ्यूजन का जरा पैरेलल कहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली आप अगर इसको देखो एक्सटेंड करोगे तो इसको एक्सटेंड करोगे तो देखो आपको पैरेलल दिखता है ना राइट, पैरेलल तो बन जाता है। हाँ तो कर सकते हो इस तरीके से पैरेलल है वो, ठीक है?
ओके, मीत ने बताया कि इनफाइनाइट इमेज बनता है, ठीक है, देखते हैं देखते हैं, इनफाइनाइट सृष्टि का भी इनफाइनाइट, ओके, बहुत से लोगों ने इनफाइनाइट ही आंसर दिया, ओके ठीक है देखते हैं। कि बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ बाकी दूसरे लोगों का आंसर देख के बताओ कि इनफाइनाइट है, गाइड आंसर है, हाँ ओके, सुजल ने भी बताया कि इनफाइनाइट है, ओके ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे पता है क्या, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से कितने इमेजेस बनते हैं इसके, ठीक है। चलो आप लोगों सब लोगों ने कोशिश की है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करके देता हूँ कि ये आपकी इमेजेस कैसी और कितनी बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान से आप सब लोगों ने ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। सो लुक एंड लिसन वेरी 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 केयरफुली, ओके सुनो। सबसे फर्स्ट ये पैरेलल है, यस ये पैरेलल है, बिकॉज यहाँ पे अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं मीट तो होने वाले है नहीं, तो ऑफकोर्स ये पैरेलल ही आपके, ओके डन। सेकेंड थिंग इज आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपका मिरर किधर है, किधर है और किधर है, इधर और इधर है। इमेज आप अगर एक्सटेंड भी करोगे, आप अगर एक्सटेंड भी करोगे तो इमेज ये साइड पे नहीं बनेगा, मतलब ये आपका एक्चुअल रियल इमेज है ही नहीं, मतलब ये रियर मिरर नहीं है आपका, ठीक है। मिरर तो आपको कौन सा, यही है मिरर तो आपके, सिर्फ इतना ही है जो आपको मैंने बना के दिए। आप खुद के समझने के लिए एक्चुअली एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके अब मैं आपको एक सेकेंड, हाँ ओके अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस कितने एक्चुअली इसके इमेजेस बनेंगे। सबने एकदम ध्यान से सुनना है, लिसन एंड लुक कर, यस सोहम का एग्जैक्टली करेक्ट है। मैं सोहम का आंसर क्या बताता हूँ सब लोगों को, और आप लोगों को मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, तो आप सबने अच्छे से ध्यान देना है। आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका, मैंने क्या बोला, जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है अगर सपोज, तो ये भी 2 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, तो मतलब इसका इमेज भी 2 सेंटीमीटर पे ही आएगा, मतलब ये इधर बनेगा बराबर। अगर इसकी अगर रे डायग्राम देखेगा तो एक यहां से टच होगा और सीधा रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, सीधा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी लाइन कहां से आएगी, देखो पीछे से उसकी लाइन, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं ताकि एग्जैक्ट बनेगा ये, थोड़ा देखो ऐसे पीछे की तरफ इसका लाइन आना शुरू होगा ऐसे, तो आपका ये बन जाता है आई वन, ठीक है। अब सिमिलरली ये साइड पे बनाएंगे हम, ठीक है। अब यहां पे देखो यहां से ज्वाइंट करेंगे, इसका जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पे आपको मैंने क्या बोला है, इमेज बनेगा आपका, ठीक है। तो वही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आई टू, ठीक है। अब इसका अगर बनाए हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप हिट करोगे इसको, ठीक है, यहाँ पे मिरर को हिट होगा इधर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे रिफ्लेक्ट होगा गाइस, वो सीधी लाइन आपको क्या करनी है, पीछे की तरफ आपने खींच लेनी है, तो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो आपका सेकेंड इमेज बनता है, मतलब इन शॉर्ट ये आपका सिर्फ दो ही इमेज बनता है, इट्स ओनली गोइंग टू फॉर्म टू इमेजेस गाइस। बिकॉज अब मुझे बताओ गाइस, ये अगर मैं लाइन यहां से एक्सटेंड करता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि चलो ये हिट होगा वापस रिफ्लेक्ट होगा, बट द थिंग इज व्हाट, मिरर तो आपका इधर ही खत्म हो रहा है ना, मिरर कहाँ पे खत्म हो रहा है, सिर्फ इतना ही है, आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक्सटेंड कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। मिरर तो आपका कहाँ पे खत्म हो रहा है, आपका इधर ही खत्म हो रहा है मिरर तो, हैव यू गॉट दिस, ठीक है। सो गाइस इसके अंदर आपके सिर्फ दो ही इमेजेस बनेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका 2 है, जो सोम ने मुझे बताया यहाँ पे उसका आंसर करेक्ट 2 है आप लोगों का, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया है क्या, तो मुझे बता, देखो आपके पास सिर्फ बेसिक 2 रूल है गाइस। देखो मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, रिफ्लेक्ट करो, अगर ये लाइन के सामने अगर कोई मिरर होता है यहाँ पे ना, अगर रिफ्लेक्ट होके अगर हिट करके वापस आता था तो मैंने इसका सेकेंड इमेज बनने के पॉसिबिलिटीज थे मेरे पास, लेकिन मेरा एक्चुअल मिरर तो यहाँ पे और यहाँ पे, रियल इमेज तो उसका यहाँ पे खत्म हो रहा है,
रियल जो मिरर है अपना उसकी लेंथ तो यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, तो इमेजेस भी उसके हिसाब से बनेंगे। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कैसा था कि आपके पास वहां पे ऑप्शन थे, इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो के आते थे, जैसे कि आपने जब प्रीवियस वाला क्वेश्चन में जब ऐसे वाला दिखा था आपने, इफ यू रिमेम्बर, जब आपने ऐसे वाले क्वेश्चन देखे थे, ऐसे दो वाले, तो इसमें कैसा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, वो हिट हो रहा है, ठीक है, वापस पीछे आ रहा है, वापस हिट हो रहा है, देखो ये कंटिन्यूअसली हिटिंग चल रही है, तो कंटिन्यूअसली आपके क्या बनेंगे, इमेज बनते रहेंगे, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होना, कंटिन्यूस इमेज बनते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं ना, आप अगर ध्यान से चेक करो, ये रिफ्लेक्शन होने का खत्म हो गया, ये तो गया इधर से भी खत्म हो गया, फिनिश, तो इधर कहीं रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है, मतलब यहाँ पे आपके इन शॉर्ट कितने बनेंगे, सिर्फ दो ही आपके इमेज बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या आप सब लोगों को क्लियर हुआ जो आपको बताया मैंने स्क्रीन पर, प्लीज अगर थम्स अप करोगे, आपको बहुत ही क्लियर हो गया ये चीजें, अगर आपको